आपकी जो डोमिनेंट हैंड है ना, डोमिनेंट हैंड, उसका जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो दूसरे हाथ की उंगली से ऊपर रहेगी, राइट? ऐसे ऐसे क्यों रहेगी बताओ, कोई बता सकता है कि ऐसे हाथ ऐसे क्यों रखना है? कोई बताओ, आप बताओ छोटू। राइट, दूसरा कोई बताओ कि हाथों की पोजीशन ऐसे क्यों रखेंगे, डोमिनेंट हैंड ऊपर क्यों रखेंगे, बताओ। यस योजित, ओके। सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, अगर हम हाथ ऊपर रखते हैं डोमिनेंट हाथ, तो हमारा हाथ, हमारा कप लॉक हो जाता है। मींस लॉक मतलब अगर बॉल यहाँ लगेगी ना, ऐसे रखोगे बॉल लगेगी तो हाथ हिलता है, ठीक है? अगर हाथ ऊपर रखोगे तो ये हाथ हिलेगा नहीं, ये दोनों हाथ जाएंगे, क्लियर? तो इसलिए ये उंगली ऊपर रखनी है, राइट? और सारी बॉल आपकी डोमिनेंट हैंड पे आनी चाहिए। जो डोमिनेंट हैंड है ना वहां आएगी, बीच में नहीं आएगी, ये हथेली में, जो जिसका सीधा हाथ चलता है उस वाली हथेली में आएगी, क्लियर? चलो बेटा, चलो समझ आ गया आपको? अंदर वाली पाऊंगा यार, सुनो, फास्ट बॉलर जब बॉल करते ना, फास्ट बॉलर की बॉल कैसे पकड़ोगे आप, अगर आप हाउस स्टंप पे हो ना? बच्चों ध्यान से सुनो, आप भी सुनो बच्चों, फास्ट बॉलर की बॉल हाउस स्टंप पे आ रही है तो आपने ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, जो इनर लेग है ना, अंदर वाला पाउंड, उसके आगे पकड़ना है, ऐसे ऐसे लेग स्टंप पे आएगी तो इस लेग पे पकड़ना है, ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? रीच बढ़ जाती है, गेंद बढ़ जाती है। ये किसने बोला? रैपिंग बेटा, क्या होता है जब राइटी बैट्समैन होता है, फास्ट बॉलर जब बॉल करता है ना, अगर जो कैच आती है ना, कीपर से छूट के इधर को जाएगी, इधर को नहीं जाएगी, क्लियर? जो कैच आती है अगर कीपर से छूटेगी ना तो इस तरफ जाएगी, यहां को नहीं जाएगी। अगर आप इस तरफ पकड़ोगे ना तो बॉल दूर निकल जाएगी, अगर अंदर की तरफ पकड़ोगे कैच छूटेगी ना तो आपके पास चांस होगा, रीच है, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है? अगर यहां पकड़ोगे, अगर कैच छूट गई तो बहुत दूर निकल जाएगी, अगर बॉल को इधर पकड़ोगे ना और कैच छूट भी गई ना तो आपके बिना कितनी रीच है, बहुत जगह है, दोबारा से पकड़ लोगे, तो इसलिए अंदर की तरफ पकड़ना है, राइट? क्लियर? चलो।